हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे यूनिट नंबर 2 में अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। तो यूनिट नंबर 2 में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं प्री स्ट्रेस और अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेडी मिक्स कॉन्क्रीट और नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वैक्यूम डिवाटर्ड कॉन्क्रीट, जिसको हम लोग प्रीमिक्स कॉन्क्रीटिंग भी कहते हैं। ये चार आपके मेजर टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 2 से। और जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं वो होता है आपका रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, स्टील फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो अगर पॉसिबल होगा तो उनके ऊपर भी एक छोटा छोटा हम लोग क्लास, एक ही क्लास में ये सारे टाइप के कंक्रीट को रखने की कोशिश करेंगे, या नहीं तो फिर नोट्स में आपको ये सारे के आपको छोटे छोटे थ्योरी गिवन होंगे, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं होगा। जो आपके अदर टॉपिक्स है स्मॉल, जो स्पेशल कंक्रीट है, उस पे बहुत लेंथी थ्योरी आपको नहीं अवेलेबल होगा। तो वो आपके लिए हो सकता है कि नोट्स में ही सिर्फ अवेलेबल रहे, और हम लोग वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे ये चार टॉपिक, जिसमें से प्री स्ट्रेस और अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग डिस्कस हो चुका है। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। रेडी मिक्स कॉन्क्रीट क्या होता है? सबसे पहले आपके माइंड में ये नाम सुनकर के जो इमेज आता होगा वो आता होगा, जो आप RMC ट्रक देखते हैं, जो आपका मिक्सर ट्रक होता है, इसमें आप देखते हैं कि ये रोटेट करते रहता है इसका ड्रम, और इससे आपको कॉन्क्रीट डायरेक्टली साइड पे पोर कर दिया जाता है। जो इन जनरल जो सबसे पहले आइडिया आता है वो यही आता है रेडी मिक्स कॉन्क्रीट सुनकर के। बट एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि रेडी मिक्स कॉन्क्रीट हम लोग किसको बोलते हैं, क्या होता है। जो हम लोग साइट पर कॉन्क्रीट बनाते हैं, जिसमें हम लोग अपने कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट और वाटर को मिक्स करके जो हम लोग कॉन्क्रीट बनाते हैं, वो हमारा इन साइट कॉन्क्रीट होता है। इसको हम लोग इन सीटू कॉन्क्रीट बोलते हैं, मतलब ये साइट पर मैनुअली प्रिपेयर किया गया है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट भी, क्योंकि हम लोग उसमें क्या करते हैं, वेट नहीं लेते हैं मटेरियल्स का, हम लोग उसके वॉल्यूम से उसको वेट करते हैं। मतलब अगर हम लोग एक किसी एक पोर्शन में सीमेंट ले रहे हैं एक पोर्शन, तो उसके हिसाब से ही हम लोग रेशियो डिसाइड करते हैं, जिसको हम लोग अपने थर्ड सेमेस्टर में कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े थे कि नॉमिनल मिक्स किसको कहते हैं और डिजाइन मिक्स किसको कहते हैं। तो जो साइड पे हम लोग मैनुअली बनाते हैं, जो हम लोग मिक्सर मशीन, ड्रम मिक्सर्स यूज करते हैं, और उससे जो हम लोग कॉन्क्रीट प्रिपेयर करते हैं, वो कहलाता है आपका नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट। अब जब आपको डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट की बात आती है, जो आपने वर्ड्स पढ़ा होगा कि M25 से बियॉन्ड जितना भी M30, 35, 40 कॉन्क्रीट है, वो सारा आपका डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट होता है। तो डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट क्या होता है, उसमें आप पढ़े थे कि जब आपको इक्वली वेट कर लिया जाता है मटेरियल्स को, और फिर उसको कंबाइन किया जाता है, और उसमें भी वाटर जो रेशियो होता है वाटर का, वो भी आपको जब कैलकुलेट करके डिसाइड कर लिया जाता है कि इतने लीटर्स ऑफ वाटर ही उसमें देना है, तो वो जो आप कैलकुलेट करके वेट के अकॉर्डिंगली जब आप अपना एक मिक्स बनाते हैं, तो वो कहलाता है आपका डिजाइन मिक्स। अब आप वेट करके आप अपना ये कंक्रीट कहाँ बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं भी आप ध्यान देंगे तो आप जितने भी साइट्स आप देखे होंगे, उसमें आपको जो ड्रम मिक्सर्स यूज होते हैं, उसको आप यूज करते हुए आप अपना कंक्रीट बनाते हैं, जिसमें आपको वॉल्यूम वाइज प्लेस किया जाता है सारे कंक्रीट को, उसको मिक्स कर दिया जाता है, और फिर वो कंक्रीट तैयार हो जाता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग करते हैं M20 तक के लिए। लेकिन जब आपको M30, M40, M50 कंक्रीट चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको एक सेंट्रलाइज प्लांट चाहिए होगा। वो प्लांट क्या करेगा कि आपको सारे मटेरियल्स वहाँ पे स्टोर्ड होंगे, उसको वो सेपरेटली सारे मटेरियल्स को डिजाइन मिक्स के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, अब आप जैसे डिजाइन मिक्स यूनिट थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे, जिसमें आपका IS 10262 को कंसिडर करते हुए डिजाइन मिक्स बताया गया था, मिक्स डिजाइन आपका एक यूनिट था, उसमें आप पढ़े होंगे कि आपको अगर एक M30 कंक्रीट बनाना है, तो उसके लिए आपको पहले आप सीमेंट का निकालते थे कि कितना वेट सीमेंट लगेगा, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग आपका कोर्स एग्रीगेट का वेट निकलता था, और फिर फाइन एग्रीगेट का वेट निकलता था, और इसमें आप वाटर सीमेंट रेशियो आप पहले ही डिसाइड कर लेते थे, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें निकल जाती थी। तो वाटर सीमेंट रेशियो एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि वाटर आप पहले डिसाइड कर लिए कि आपका इतना लीटर्स ऑफ वाटर होगा, उसके हिसाब से आपका ये सारा एग्रीगेट्स और आपका सीमेंट डिसाइड हो गया। तो अब जब ये डिसाइड हो गया कि एक M3 कॉन्क्रीट अगर आपको बनाना है, उसमें अगर आपका सीमेंट जो है वो 56 kg लगेगा, एग्रीगेट आपका 142 kg लगेगा, और सैंड आपका अगर फॉर एग्जाम्पल 90 kg लगेगा, तो ये तीन चीज़ आप साइट पर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आप साइट पर 56 kg ऑफ सीमेंट मेजर करके आप नहीं कंक्रीट बनाते हैं। आप एक अपना जो भी एक बॉक्स होता है जिसमें आप सीमेंट लेते हैं, आप उसके वॉल्यूम के हिसाब से आप बनाते हैं। तो उसमें जो स्ट्रेंथ होता है वो आपको एग्जैक्टली कभी नॉमिनल मिक्स से कम भी हो सकता है, कभी नॉमिनल मिक्स से ज़्यादा भी हो सकता है, जितना का आपको रिक्वायरमेंट है।
बट डिजाइन मिक्स क्यों करते थे हम लोग, क्योंकि जब नॉमिनल मिक्स में वेस्टेज कंसिडर होने लगा या फिर लैक ऑफ स्ट्रेंथ आने लगा, जब M20 के लिए आप नॉमिनल मिक्स बना रहे हैं और वो M16 तक का ही अगर आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, तो आपको जो 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का जो स्ट्रेंथ आपका रिड्यूस हो गया, तो ये चीजें एक फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर हो गया कि जब आप M20 बनाना चाहते हैं और आप M24 तक का कॉन्क्रीट बना दे रहे हैं, तो आपका वो वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो गया। तो छोटे साइट्स पे तो ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट आप जब एक बड़े साइट पे जाते हैं तो वहां आपको इन सारे चीजों का कॉस्ट आपको मैटर करता है। तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रेडी मिक्स कंक्रीट ऑप्ट करते हैं, कि हम लोग रेडी मिक्स कंक्रीट यूज करेंगे, साइट पे हम लोग कंक्रीट नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए दो प्रोसेस होता है, या तो आपका पहले से कोई एक सेंट्रलाइज्ड प्लांट आपके एरिया के आसपास में अगर अवेलेबल हो जहां पे आपका ये कंक्रीट तैयार होता है, तो आप या तो वहां से ऑर्डर करेंगे, या नहीं तो आपके अगर साइट बहुत रिमोट लोकेशन पे है तो आपके पास अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज का, आपके पास सैंड वहां पे इजिली अवेलेबल हो सकता है, कोर्स एग्रीगेट आपको इजिली अवेलेबल हो सकता है 20 mm का, तो आप वहां पे एक प्लांट सेटअप करेंगे जिसमें आपको ये सारी चीजें वेट की जाएंगी, जिसको हम लोग वे बैचिंग बोलते हैं। वे बैचिंग करने के बाद आपको ये चीजें एक मिक्सर में मिक्स किया जाएगा, जिसमें रेशियो जो होगा वो आपको पहले से ही डिसाइडेड होगा। जब आप मिक्स डिजाइन में आप अपने कैलकुलेशन करके निकालते हैं, तो आपका वो जो सेंट्रलाइज्ड प्लांट होता है उसमें आपको सॉफ्टवेयर्स वगैरह कंप्यूटर्स वगैरह सारे सेटअप रहते हैं, और वो ऑटोमेटिक प्लांट जो होता है उसमें आप कंप्यूटर में जैसे ही डेटा एंटर कर देते हैं कि आपको M30 का रिक्वायरमेंट है, तो M30 के रिक्वायरमेंट के लिए वो आपसे सीमेंट, वाटर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, इन चारों का आपको डेटा पूछेगा कि कितना कितना रिक्वायरमेंट है। अब जब प्लांट आपका अगर ऑटोमेटिक प्लांट है, तो आप जैसे ही कंप्यूटर में एंटर कर देंगे कि आपको 56 केजी सीमेंट चाहिए, 192 केजी आपको कोर्स एग्रीगेट चाहिए और 90 केजी फाइन एग्रीगेट चाहिए, जब आप ये उसमें इनपुट दे देंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो आपका जहाँ पे आपका एग्रीगेट स्टोर्ड होगा, जहाँ पे आपका सीमेंट स्टोर्ड होगा, उन सारे स्टोरेज के वहाँ पे आपको एक वेइंग मशीन्स लगे रहते हैं, तो उसमें से सीमेंट डिस्चार्ज होगा, सीमेंट वेट हो जाएगा, जैसे ही 56 केजी वेट हो जाएगा वो सीमेंट आपको मिक्सर में डाल दिया जाएगा, एग्रीगेट के साथ भी यही होगा और सैंड साथ भी यही होगा। ये तीनों चीज को एक्यूरेटली वेट कर दिया जाएगा, जितने लीटर्स ऑफ वाटर आपने इनपुट दिया था उतना लीटर्स ऑफ वाटर उस मिक्सर में मिक्स हो जाएगा, और फिर वो मिक्सर आपको कंक्रीट वैसे ही बनाएगा जैसे आप साइड पे ड्रम मिक्सर से बनाते हैं, वो आपको क्लोज रहेगा, उसमें आपको वो कंक्रीट जितने भी आपको अगर 5 मिनट के लिए प्रोग्रामिंग सेट किया गया है तो 5 मिनट के लिए वो कंक्रीट मिक्स होकर के आपको कंक्रीट प्रिपेयर हो जाएगा, और वो कंक्रीट आपके जो आरएमसी ट्रक्स होते हैं उसमें आपको वो कंक्रीट प्लेस कर दिया जाता है, और वो लोकेशन के हिसाब से कि कितने दूरी पे साइट है उतने दूरी के हिसाब से आपको वो ड्रम मिक्सर का रोटेशन जो है वो सेट कर दिया जाता है, और वो इसलिए रोटेट करते रहता है ताकि कंक्रीट जो उस ड्रम के अंदर प्लेस किया गया है वो आपको सॉलिड ना हो जाए, हार्ड ना हो जाए, क्योंकि कंक्रीट को अगर आप आइडल छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो क्योंकि उसमें सीमेंट के साथ कंबाइंड है सारा एग्रीगेट तो वो आपको हार्ड हो जाता है। तो ड्रम मिक्सर में आपको वो ड्रम रोटेट होते रहता है और आपके साइट पे जाकर के वो उसको डिलीवर कर देता है। अब डिपेंड करता है कि अगर आपका साइट बहुत दूर है या फिर आपका साइट बिल्कुल आपके प्लांट के नज़दीक में सिचुएटेड है, उसके हिसाब से आप अपने कंक्रीट के स्ट्रेंथ को, उसकी कंसिस्टेंसी को, वर्केबिलिटी को आप चेंज करते रहते हैं। अगर कंक्रीट बहुत दूर जाना है तो आप हाई वर्केबल कंक्रीट बनाएंगे जिसमें आपको वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा वो ज़्यादा होगा, ताकि कंक्रीट जब जितनी बार आप मिक्स करेंगे उतनी बार वो वाटर जो उसके साथ मिक्स होता रहेगा, तो कंक्रीट धीरे धीरे आपको जिसका वर्केबिलिटी आप जब प्लेस किए थे आप ट्रक में तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब वो साइट पर करेंगे तो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेशन करके ध्यान में रखना पड़ता है, और फिर आप साइट पे वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो इससे आपको ये सारा कंक्रीट जो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है, ये कहलाता है आपका रेडी मिक्स कंक्रीट। अब इसके लिए आपको सबसे बेस्ट होगा कि आप एक अभी आपके स्क्रीन पे एक इमेज आएगा, उस इमेज में आपको एक एक करके समझाते हैं कि वो सारे आपको कंक्रीट प्लांट में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या आपको मशीनरीज होते हैं, और फिर उसमें किस तरह से आपका सीमेंट जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है। अब जो इमेज आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये एक ऑटोमेटिक आरएमसी प्लांट का इमेज है। ऑटोमेटिक आरएमसी प्लांट हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपको सारे प्रोसेस जो हैं ये आपको समझ में आ जाएंगे। अब इसी में से जब आप सेमी ऑटोमेटिक आरएमसी प्लांट की बात करेंगे तो उसमें आपको ये सारे प्रोसेस जो होंगे ये सारे फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं होंगे और ये मैनुअली इसको फीड किया जाता है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक आरएमसी प्लांट में क्या होता है कि आपको ये सारे इक्विपमेंट्स और मशीनरीज दिख रहे हैं जिन सब के ऊपर आपको नंबर्स मार्क किए हुए हैं। अब हम लोग एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं कि ये सारे इक्विपमेंट्स और मशीनरीज क्या क्या है। नंबर वन,
ये आपका सेमी ट्रेलर है, जो आपका हाइड्रोलिक ट्रेलर होता है, जिससे आप सैंड और कोर्स एग्रीगेट आप अपने साइट से जहाँ भी इसका सोर्स होता है वहाँ से आप ऑब्टेन करके आप अपने आरएमसी प्लांट पे लाते हैं, और वहाँ पे आपको इस एक लोकेशन पे आपको एक हॉपर सेट किया जाता है। उस हॉपर में आपके ये सेमी ट्रेलर जो होता है ये अपने एग्रीगेट्स को और सैंड को डिस्चार्ज करता है। तो ये हॉपर का काम क्या होता है कि ये हॉपर इस सैंड जो आपके मटेरियल्स होते हैं उसको कलेक्ट करके ये आपको कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आपको एक साइलोज में ट्रांसफर कर देता है। कन्वेयर बेल्ट का मार्किंग आपको मार्किंग नंबर 2 दिया हुआ है। तो नंबर 1 आपका हाइड्रोलिक ट्रेलर है, हाइड्रोलिक ट्रेलर मटेरियल लाता है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। ये आपको कन्वेयर बेल्ट जिसका मार्किंग नंबर 2 है उससे आपको ये जो आप थर्ड मार्किंग देख रहे हैं ये आपका एक साइलो होता है। साइलो एक बड़ा सा स्टोरेज होता है, जब हाइट आपका कम होता है किसी भी एक स्टोरेज का तो वो बंकर कहलाता है, और जब उसका हाइट बहुत ज्यादा हो जाता है उसके डायमीटर के कॉरेस्पोंडेंस तो आपको वो कहलाता है साइलो। तो ये साइलो बेसिकली आपका एक स्टोरेज टैंक होता है। तो ये जो आपके साइलोज में आपके इस एग्रीगेट्स को, और इसी तरह का एक और आपको साइलोज रहेगा जिसमें आपके सैंड को स्टोर किया जाता है। अब इन साइलोज के बॉटम में जहाँ पे आप मार्किंग नंबर 4 देख रहे हैं वहाँ पे आपको एक वेइंग मशीन्स लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जब आप इस ये ऑटोमेटिक कंक्रीट प्लांट आप डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें जब आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आप एंटर करते हैं कि आपको 196 केजी का आपको एग्रीगेट चाहिए और 90 केजी का आपको सैंड चाहिए, तो 196 आपके इस हॉपर में जब आपका ये मटेरियल आपके साइलो से डिस्चार्ज होगा नंबर 4 हॉपर में, तो वो आपको उसमें वेइंग मशीन लगा हुआ है जिसमें आपको ये वेट हो जाता है कि ये आपको कितना डिस्चार्ज हुआ है। जब ये 196 केजी डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर आपको ये जो 5 नंबर का कन्वेयर बेल्ट है इसके हेल्प से ये मटेरियल आपके इस 7 नंबर का जो आपका कंक्रीट मिक्सर है, जो ये मेन आपका मिक्सर प्लांट है आपके इस पूरे साइट का, ये आपका हार्ट होता है इस आरएमसी प्लांट का, इसमें ही सारा मिक्सिंग प्रोसेस होता है। तो ये आपके कन्वेयर बेल्ट नंबर 5 से आपके इस मिक्सर प्लांट नंबर 7 में आपको मटेरियल ट्रांसफर किया जाता है। सेम इसी तरह का 3, 4 और 5 का एक और कॉम्बिनेशन रहेगा, वो आपके सैंड के लिए रहेगा। उसमें आपके 3 में आपको सैंड स्टोर्ड रहेगा, इसी तरह 4 में उसको वेट किया जाएगा, और 5 नंबर का आपका एक और कन्वेयर बेल्ट होगा जिससे आपका सैंड भी इस मिक्सर मशीन में आपको दे दिया जाएगा। अब ये हो गया आपको कोर्स एग्रीगेट और सैंड। अब आपका 6 नंबर जो आप देख रहे हैं ये आपका सीमेंट साइलोज है। सीमेंट साइलोज का काम क्या होता है कि इसमें जो आपके सीमेंट के बड़े बड़े बैग्स आते हैं वो आपको टॉप से इसमें एंटर आपको सीमेंट के बैग को ओपन कर दिया जाता है, और इस साइलोज में आपको ये सीमेंट को इसमें प्लेस कर दिया जाता है। अब क्योंकि सीमेंट जब साइलोज में रहता है तो इसमें छोटे छोटे लम्स बनने के चांसेस रहते हैं, तो इस साइलोज ये जो आपके 6 नंबर के साइलोज जो आप 4 देख रहे हैं इन साइलोज में आपको हॉट एयर का भी आपको सिस्टम दिया रहता है। इससे क्या होता है कि आपके थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे, कुछ दिनों के इंटरवल्स पे आप सीमेंट को शेक करते इस साइलो में वाइब्रेशन का सिस्टम दिया रहता है और आपको हॉट एयर का सिस्टम दिया रहता है। तो आप उसको वाइब्रेट करते हुए जब उसमें हॉट एयर आप इसमें इंटर कराते हैं साइलोज में, तो अंदर जो कॉन्क्रीट है उसमें जो लम्स है वो लम्स ब्रेक होकर के पाउडर फॉर्म में ही सीमेंट आपका रहता है। तो इस तरह से हम लोग सीमेंट के स्टोरेज को मेंटेन करते हैं साइलोज के अंदर। अब 6 नंबर साइलोज में जब आपका ऊपर से आपके सीमेंट बैग्स को ओपन करके फिल कर दिया गया है साइलोज को, तो आपके इसी साइलोज के बॉटम में सेम जैसे आपके थर्ड वाले जो आप पॉइंट देखे थे उसके बॉटम में आपके 4th नंबर पॉइंट पे हॉपर दिया हुआ था, उसी तरह इस 6 नंबर के बॉटम पे भी आपका एक तरह से हॉपर बना हुआ है जिसमें आपको ये सीमेंट जितना आपको रिक्वायरमेंट होता है उतना आपको ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे ही आप कंट्रोल सेंटर से कमांड देते हैं तो आपके सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट ये तीनों जो भी रिक्वायरमेंट है उतना ही आपका डिस्चार्ज होता है। उसमें सेंसर्स लगे होते हैं जो आपके उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं कि आपको 56 केजी चाहिए, तो 56 केजी डिस्चार्ज होने के बाद वो सेंसर उसको स्टॉप कर देता है। तो आप यहाँ से आप अपने सीमेंट को भी वेट करते हैं, और ये भी आपका मिक्सर मशीन में आपका 7 नंबर जो आपका मिक्सर मशीन है उसमें एंटर हो जाता है। अब आपके पास यहाँ से तीनों जो आपके इंग्रेडिएंट्स है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट, ये तीनों आपको इसमें मिल जाते हैं। अब यहाँ से आपको प्रोसेस आता है कि आपको किस तरह का कंक्रीट चाहिए। तीन तरह से कंक्रीट आप बेसिकली आप ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला, जो आप इस 7 नंबर के आप अपने मिक्सर प्लांट में आप कंक्रीट में वाटर ऐड करेंगे इस इंग्रेडिएंट्स में, और पूरा कंक्रीट तैयार करेंगे और इसको आरएमसी ट्रक में आप प्लेस करेंगे, और ये आरएमसी ट्रक जाके साइट पे डिस्चार्ज कर देगा कंक्रीट। ये हो गया एक प्रोसेस।
सेकेंड प्रोसेस आता है कि इसी आप जैसे अभी आपने कोर्स एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट और सीमेंट को आप मिक्स किए, अब आप इसमें वाटर नहीं भी मिक्स कर सकते हैं और आप डायरेक्टली आप अपने मिक्सर ट्रक में आप इन इंग्रेडिएंट्स को एज अ रॉ मटेरियल मिक्स किया हुआ ही आप इस मिक्सर ट्रक में दे देंगे और इस मिक्सर ट्रक में वाटर टैंक का सिस्टम बना देता है जिसमें से आपको जितना रिक्वायर्ड आपका जो वाटर होगा जो साइट के दूरी के हिसाब से आप उस अपने वर्केबिलिटी को मेंटेन करते हुए उसमें वाटर मिक्स करते रहेंगे और ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी जो आपके प्लांट से निकल करके साइट तक पहुंचने का जो टाइम होगा उस बीच में इसमें वाटर मिक्स होता रहेगा और ये कंक्रीट फॉर्म होता रहेगा और मिक्स होता रहेगा ताकि इसका कंक्रीट जो है वो सेटल ना हो जाए, हार्ड ना हो जाए। ये हो गया दूसरा प्रोसेस। और तीसरा प्रोसेस होता है कि आप तीनों इंग्रेडिएंट्स को सेपरेटली, जैसे आप कोर्स एग्रीगेट 3, 4 और 5 को यूज करते हुए 7 में आप कोर्स एग्रीगेट लाए, आप उसको इसमें आप प्रोवाइड कर दिए मिक्सर ट्रक में, फिर आप इसी तरह सैंड को भी ला करके प्रोवाइड कर दिए और फिर आप अपने सीमेंट को भी ला करके ट्रक में प्रोवाइड कर दिए। अभी ये तीनों चीज़ मिक्स नहीं किया हुआ है, कंबाइन नहीं किया हुआ है। अब आप जब आपका जर्नी स्टार्ट होगा साइट तक का, उस बीच में आपके ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपके मिक्स होंगे ट्रक में और इसमें वाटर जो होगा वो साइट पे पहुंचने के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जब साइट पे पहुंचने के बाद डिस्चार्ज करने से पहले वहां पे ही आपका वाटर ऐड होगा, तुरंत वाटर ऐड होते ही वो कंक्रीट बनेगा। जनरली 55 टू 60 सेकेंड्स या 2 मिनट्स के आसपास का मिक्सिंग होता है और इस मिक्सिंग के बाद आपको कंक्रीट साइट पे डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको ये तीनों प्रोसेस में, तीनों ही प्रोसेस आपके जो डिजाइन मिक्स है उसको मेंटेन रखते हुए होते हैं, क्योंकि जब आप वेट करके जो आप मटेरियल्स लेते हैं वो आपके इस प्लांट से ही आपको मिलता है। तो जब आपको सीमेंट वेट करके मिलेगा, कोर्स एग्रीगेट वेट करके मिलेगा, फाइन एग्रीगेट वेट करके मिलेगा, तो आपको ये तीनों के वेट आपको प्रोपोर्शन में मिले हुए हैं। वाटर एज पर रिक्वायरमेंट आप मिक्स करते हैं क्योंकि साइट कितने डिस्टेंस पे है या फिर रास्ते में अगर ट्रैफिक जैम्स होता है तो उस कंडीशन के हिसाब से आप ये तीन टाइप का कॉन्क्रीट डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा कॉन्क्रीट चाहिए। अगर आपका साइट बहुत ही एक नॉमिनल डिस्टेंस पे है अगर आपके प्लांट से, तो फिर आप जो आपका सबसे पहला प्रोसेस था जिसमें आपके ये जो आपका मिक्सर मशीन है नंबर 7, इसमें आप अपने कंक्रीट को प्रिपेयर कर देंगे वाटर मिक्स करते हुए और फिर आप इसको ट्रांजिट मिक्सर में प्रोवाइड करेंगे ट्रक में और डायरेक्टली आप साइट पे जाके प्लेस कर देंगे। अगर साइट बहुत ज़्यादा दूर होता है और रिक्वायरमेंट आपको डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट की ही रहती है तो उस केस में आप इसमें एग्रीगेट्स मिक्स कर देते हैं और वाटर जो होता है वो या तो कोर्स में रास्ते में आपको मिक्स होता है या फिर साइट पहुंचने के बाद मिक्स होता है, जो तीनों मेथड अभी हमने डिस्कस किए हैं। इसी तीनों मेथड के हिसाब से जो आपको डिज़ाइन RMC कंक्रीट होता है ये तीन टाइप का हो जाता है कि एक आपको प्लांट में मिक्स किया हुआ, एक आपको जर्नी में मिक्स किया हुआ और एक आपको साइट पे पहुंचने के बाद मिक्स किया हुआ। तो ये तीनों चीज़ के जो आपको नोट्स रहेंगे, ये आपके जो आपको नोट्स PDF मिलेगा उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन रहेंगी। अब आपके मिक्सर में जब ये सारी चीज़ें कंबाइंड होकर के वाटर मिक्स करके जब आप कंक्रीट प्रिपेयर कर देते हैं, उसके बाद आप नंबर 8 देखेंगे, ये आपको डाउनवर्ड्स एक हॉपर बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं शूट। इस शूट से आप जो अंदर कंक्रीट जो 7 नंबर इस मिक्सर मशीन में आपको प्रिपेयर हुआ है आप उसको RMC ट्रक में डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं। और आप ये नंबर 11 जो देख रहे हैं ये आपका RMC ट्रक है, रेडी मिक्स कंक्रीट ट्रक, इसको हम लोग ट्रांजिट मिक्सर भी कहते हैं। ये ट्रांजिट मिक्सर आपके कंक्रीट को आपके मिक्सर मशीन से लेता है और आपके साइट पे जाकर के इसको डिस्चार्ज कर देता है। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 और 11 आपको क्लियर हो गया। अब जो आपका ये नंबर 6 है ये आपका सीमेंट साइड है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 9 और नंबर 10, नंबर 9 है आपको एडमिक्सचर का स्टोरेज, इसमें आपको एडमिक्सचर रिटार्डर ये सारी चीज़ें जो है एसलेटर रिटार्डर ये सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं, इनका कनेक्शन भी मिक्सर मशीन से डायरेक्टली रहता है। आपका ये जो नंबर 10 है ये है आपका कंट्रोल सेंटर, यहाँ आपको सारा कंप्यूटराइज सिस्टम आपको ऑटोमेटिक प्लांट में बना रहता है, यहाँ से ही आपके सारे कमांड जाते हैं। ये सारे जो आपके साइलोज हैं ये सारे आपके इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल प्रोसेस से आपके इस कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड है। इसमें आप जब यहाँ पे कमांड देते हैं तो ये तीनों जो आपके नंबर 3 है आपका कोर्स एग्रीगेट के लिए, इसी के जैसा एक फाइन एग्रीगेट के लिए होता, और नंबर 6 आपका सीमेंट के लिए जो साइलो है, ये तीनों में ये कमांड पहुँचता है। वहाँ सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सेंसर्स से उसको कमांड मिलता है कि कितना केजी आपको एग्रीगेट चाहिए, वो उतना केजी डिस्चार्ज कर देता है। तो ये सारा काम जो होता है वो इस 10 नंबर के आपको कंट्रोल सेंटर से होता है। फिर आपका जो नंबर 13 है, ये नंबर 13 आपके साइट पे लैब टेस्टिंग रहता है, लैबोरेटरी रहता है, जिसमें आप अपने सीमेंट का स्लम टेस्ट और जो बाकी इंग्रेडिएंट जो आपको मिलते हैं उनका अगर आपको क्वालिटी चेक करना हो ये सारी चीज़ें आप करते हैं इस आपके लैबोरेटरी में।
अब नंबर 12 जो रह गया, ये नंबर 12 आपका है जो आपके आपका जो मिक्सर मशीन है उसमें जो रिमेनिंग आपका कंक्रीट रह जाता है, या कई बार आपके आरएमसी ट्रक्स में अगर कुछ कंक्रीट वापस आ जाता है, तो इन सारे को डिस्चार्ज करने के लिए ये नंबर 12 वाला आपको एक छोटा सा साइलो बना हुआ है, जिसमें आपको ये प्रोसेस सिस्टम दिया रहता है कि ये आपके कॉन्क्रीट के जो मिक्सर मशीन है नंबर 7, ये इसको भी क्लीन करता है, इसके अंदर कॉन्क्रीट का कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, और आपके आरएमसी ट्रक को भी यहाँ पे डिस्चार्ज किया जाता है। तो मतलब है कि ये ओवरऑल जो ये आरएमसी प्लांट होता है, ऑटोमेटिक आरएमसी प्लांट, इसका पर्पस होता है कि एक तो इफेक्टिव कंक्रीट बनाना, आपको जो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, और साथ साथ वेस्टेज को भी रिड्यूस करना। तो ये जो नंबर 12 है ये आपको वेस्टेज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इसको हम लोग कहते हैं रिसाइक्लर। तो इस रिसाइक्लर का काम है कि जो रिमेनिंग कंक्रीट रह गया है, या अगर आपके एग्रीगेट हैं अगर वो मिक्स रह गए हैं और उसका कंक्रीट फॉर्म नहीं हुआ है, तो क्योंकि अब एग्रीगेट वाटर के साथ आपको मिक्स है, सैंड के साथ मिक्स है, तो इन सारे चीज़ों को इस रिसाइक्लर में सेपरेट किया जाता है, ताकि फिर किसी डिफरेंट टाइप के कंक्रीट में, क्योंकि उसको वापस सेम कंक्रीट में तो यूज नहीं किया जा सकता है, बट जब भी आपको कोई दूसरा लीन कंक्रीट या वीक कंक्रीट आपको बनाना होगा तो वहां इन एग्रीगेट्स को यूज किया जा सके, ताकि आपका जीरो जो है वो लॉस हो। तो ये है बेसिकली आपका एक ऑटोमेटिक आरएमसी प्लांट का टोटल प्रोसेस और टोटल उसका फंक्शनिंग। तो आई होप आपको इस आरएमसी प्लांट के इमेज से ये समझ में आ गया होगा कि ये पूरा प्रोसेस आरएमसी का किस तरह से प्रिपेयर होता है, कैसे आपका कंक्रीट प्रिपेयर होता है और साइट पे डिस्चार्ज किया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या मशीनरीज इसमें यूज होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आरएमसी में हम लोग डिस्कस किए थे कि तीन तरीके से आपको कंक्रीट मिल सकता है। पहला कि आप अपने मिक्सर में, जो आपके प्लांट में मिक्सर है, आप उसमें ही सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और वाटर को मिक्स करके कंक्रीट बना लेंगे और ट्रांजिट मिक्सर से उसको साइट पे डिस्चार्ज कर लेंगे। दूसरा हम लोग डिस्कस किए थे कि आप सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट आप वेट करके प्रॉपरली उसको मिक्स कर लेंगे अपने प्लांट में मिक्सर में, और उसको ट्रांजिट मिक्सर में डायरेक्टली पोर कर देंगे, लेकिन उसमें वाटर मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरह का ट्रांजिट मिक्सर ये भी होता है जिसमें आपको वाटर टैंक जो है वो अवेलेबल होता है। तो उस वाटर टैंक से आपका जब जर्नी होगा, जो आपके प्लांट से आपके साइट तक का, उस डिस्टेंस में आपके वाटर आप उससे ऐड करते रहेंगे टैंक से, और आप उस सीमेंट कंक्रीट को आप प्रिपेयर कर देंगे। ये होगा आपका सेकेंड टाइप का। इसमें आधा आपके मिक्सर में आपका वेइंग बैचिंग सारा हो जाता है, और फिर आपके आरएमसी में आपको रॉ एग्रीगेट सब कुछ दे दिए जाते हैं, रॉ मटेरियल्स, और आप उसको पानी बाद में मिक्स करते हैं। और तीसरा होता है जिसमें आपको सारे इंग्रेडिएंट्स आपके ट्रांजिट मिक्सर में डायरेक्टली पोर कर दिए जाएंगे, वो आपको मिक्सिंग नहीं होगा, सिर्फ वेइंग होगा आपके प्लांट पे, और आपके ट्रक में आपको उसको प्लेस कर दिया जाएगा। मिक्सिंग भी आपका ड्यूरिंग द जर्नी होगा, और वाटर भी आपके ड्यूरिंग द जर्नी मिक्स किया जाएगा। तो इन तीनों का टर्म आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो सबसे पहला वाला टर्म है सेंट्रल मिक्स्ड कॉन्क्रीट, ये वो कॉन्क्रीट है जो हम लोग प्लांट पे ही अपना प्रिपेयर कर लेते हैं और डायरेक्टली ट्रांजिट मिक्सर से हम लोग साइट पे डिस्चार्ज कर देते हैं। जो हम लोग सेकेंड डिस्कस कर रहे थे श्रिंक मिक्स्ड कंक्रीट, इसमें आपका जो सारा मटेरियल है उसको आप अपने मिक्सर में मिक्स कर लेते हैं पहले, और फिर आप उसको ट्रांजिट मिक्सर में प्लेस कर देते हैं, और वाटर आपका बाद में उसमें मिक्स किया जाता है। और थर्ड है आपका ट्रांजिट मिक्स्ड कंक्रीट। ट्रांजिट मिक्स्ड का मतलब क्या है? ट्रांजिट मतलब होता है ट्रेवल, और मिक्स मतलब उस रास्ते में जब आप उसको मिक्स करते हैं, जो हम लोग थर्ड वाला डिस्कस कर रहे थे कि सारे एग्रीगेट्स वेट करके इसमें दे दिए जाएंगे, सीमेंट वेट करके इसमें दे दिया जाएगा, मिक्सिंग रास्ते में होगा, वाटर भी रास्ते में मिक्स होगा। इसमें आपको श्रिंक मिक्स में सिर्फ वाटर रास्ते में ऐड होता है, बाकी सारी चीज़ें आपके प्लांट पे मिक्स करके दे दिए जाते हैं। तो ये तीन टाइप से आप अपने कंक्रीट को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके सिचुएशन पे, कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम का वहाँ पे कितना कंडीशन क्या क्या है, उसके हिसाब से ये कंक्रीट डिसाइड किया जाता है कि कैसे मिक्स होगा। क्योंकि अगर आपका साइट बहुत दूर लोकेटेड होगा, प्लस रास्ते में आपको दो या तीन आपको ट्रैफिक जैम के आपको पॉइंट्स होंगे, तो वैसे केसेस में आप सेंट्रल मिक्स कंक्रीट नहीं ले जा सकते, रिस्की होगा। क्योंकि अगर ये कंक्रीट हार्ड हो गया तो फिर आपको बहुत सारा ट्रबल हो सकता है, कंक्रीट डिले हो गया तो हो सकता है कि वो मिक्सर मशीन से डिस्चार्ज तो हो जाएगा, बट आपके साइट पे वो प्लेस करने के लायक वर्केबल नहीं होगा। तो इसके हिसाब से आपको चूज किया जाता है कि आपको कौन सा प्रोसेस आपको ऑप्टेन करना है। स्ट्रेंथ तीनों से आपको ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, क्योंकि तीनों आपको डिजाइन मिक्स किया रहता है, वेट आपको तीनों में सबका निकाला रहेगा, एग्रीगेट का, सीमेंट का, सैंड का, इसलिए इसमें स्ट्रेंथ रिड्यूस होने का चांसेस जो होता है वो नहीं होता है। अब आरएमसी का कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज बहुत सारा है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा मिलेगा, आपको क्वालिटी कंट्रोल के लिए अलग से एक पैनल नहीं रखना पड़ेगा, जिसमें आपको इंजीनियर्स होंगे, रिटायर्ड इंजीनियर्स होंगे, ये सारी चीज़ें नहीं रखनी पड़ेंगी, लैब टेस्टिंग वगैरह आपको नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा चीज़ आरएमसी प्लांट में हो जाता है।
आरएनसी प्लांट से आपको बहुत जल्दी ही आपको कंक्रीट आपको ऑप्टेन हो जाता है। साइट पे अगर आपके प्लेस नहीं है तो कंक्रीट मिक्स करने का, तो आपको वो सारा ट्रबल जो होता है। अगर आप रोड कई बार बनाते हैं तो उसमें आपको वो इतने डेंस पॉपुलेशन से जब आपका रोड क्रॉस करता है तो कंक्रीट मिक्स करने का वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स प्लेस करने का जगह नहीं होता है। तो वैसे सारे केसेस में आपको ये आरएमसी प्लांट से आपको कंक्रीट लेना आपको फायदेमंद होता है। अब डिसएडवांटेज भी है क्योंकि जब आप ऑटोमेटिक कंक्रीट प्लांट की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम लगा रहता है, पावर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर पावर फेलियर हो गया तो बैकअप होना चाहिए। अगर आपका पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है या आपका वेइंग मशीन अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आपको फिर वहाँ पे कंक्रीट प्रोडक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रॉपरली वेट नहीं कर पाएंगे तो फिर वो डिज़ाइन मिक्स हो नहीं पाएगा। तो ये सारे इसके छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस हैं। साइट अगर आपका बहुत ज़्यादा दूर है तो आप आरएमसी प्लांट नहीं यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स अगर नहीं अवेलेबल है आप आरएमसी प्लांट बना लेते हैं, मगर आपको आपको जो कोर्स एग्रीगेट है और जो आपका सैंड है वो आपको इजीली आपके प्लांट के पास अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, उसको लाने का ही कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि आप सीमेंट जो कॉन्क्रीट प्रिपेयर करेंगे उसका कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक आपका डिसएडवांटेज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मेंशन रहेंगी कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है आरएमसी कंक्रीट यूज़ करते वक्त, कितने हाइट से आरएमसी कंक्रीट प्लेस होता है। तो जनरली 600 mm में इसको प्लेस करना चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर से इसको कंक्रीट प्लेस करने में सेग्रीगेशन का चांसेस रहता है, तो इसलिए 600 mm आपका एक स्टैंडर्ड हाइट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके नोट्स में डिस्कस रहेंगी, क्योंकि अब ये थियोरेटिकल टॉपिक है, डिस्कस कर चुके हैं जो जो एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है, अब इसका डिटेल डिस्कशन आपके नोट्स में गिवन रहेगा। होपफुली आपको पीडीएफ जो है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का आपको प्रोवाइड कर दिया गया होगा, तो इसलिए आप उसमें से जा करके जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो वही चीज़ें हैं जो हम लोग अभी यहाँ क्लास में डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है, आरएमसी प्लांट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, ट्रांजिट मिक्सर ट्रक का क्या काम होता है, ये किस तरह से कंक्रीट ऑब्टेन करता है और साइट पे डिस्चार्ज करता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।